पहले अपना भी तारुफ करवा देना थोड़ा सा कि डॉक्टर साहब इतने काबिल आदमी हैं कि मैं इनका तारुफ भी नहीं करवा सकता, इसके लिए भी काबिलियत का एक मैयार होना चाहिए, तो ये अपना ख़ुद तारुफ करवाएंगे। जी आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी, मेरे पास 6 मास्टर्स हैं, 1 PhD है, सब कंप्यूटर साइंस में। पढ़ने के अलावा ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मेरे बेडरूम में कोई 26,000 किताबें मैंने सारी पढ़ी हुई हैं। 123 मुल्कों का सफ़र है, 21 मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है, 10-11 मुल्कों की रेजिडेंसी है। तो मैं खाना बदोश आदमी हूँ, डिजिटल मजदूर कह लें आप, तो दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, जहाँ काम मिलता है तो वहाँ पर काम करता रहता हूँ। तो ये मुख्तर से तारुफ है। 40 से ऊपर किताबें लिखी हैं, मेरा नॉवल जस्तजू का सफ़र वक्फ़ा परेशानी के नाम से, और बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में डेटा साइंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ब्लॉकचेन पर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, अभी मेरी बुक इंशाल्लाह अगले महीने आ रही है मेटावर्स के ऊपर, उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। तो बस मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ, इसके अलावा आता नहीं है। शायरी मुझे पसंद है, मुझे 6,000 से ऊपर अशआर याद हैं, मैंने बचपन में शाहनामा इस्लाम मुँह ज़बानी याद की थी। तो ये छोटा सा तारुफ है। रिग्रेट ज़िंदगी में इस बात का है कि अल्लाह का जिक्र कर नहीं सका, और जितना टाइम लगाना था दीन के ऊपर वो लगा नहीं सका। कल किसी ने मुझसे पूछा, अगर आप डेटा साइंटिस्ट नहीं होते तो क्या होता, क्या होते, तो मैं कहा मैं मौलवी होता, और इस बात का बड़ा शदीद अफसोस है कि मैं मौलवी नहीं बन सका। तो मुफ्ती साहब जैसे लोग हैं, उनसे हमें सीखने का मौका मिलता है, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे चलाते रहेंगे।